Oh, right. Your students. This is infinite series class 3 students. This is infinite series lecture 3. स्टूडेंट्स याद होगा मैं लेक्चर टू में क्या कहा था। मैंने लेक्चर टू में कहा था कि लेक्चर थ्री में हम ज्योमेट्रिक सीरीज और पी सीरीज का प्रूफ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेक्चर थ्री के अंदर मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज और पी सीरीज का स्टूडेंट्स, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज से। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीरीज की पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना। पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे लिखते हैं सीरीज? ए आर, आर मतलब कॉमन रेशो, ए फर्स्ट टर्म टू द पावर एन माइनस वन, मतलब कि ए भी जीरो से बड़ा है, आर भी जीरो से बड़ा है, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो गई, राइट। कन्वर्जेस, कन्वर्जेस इफ द कॉमन रेशियो इज लेस देन वन, एंड डाइवर्जेस इफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन। बताया था राइट मैंने स्टूडेंट्स आपको, इसके बाद के बारे में बता दिया था मैंने कि कैसे कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा, क्यों ना हम प्रूफ से ही स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ प्रूफ से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें केसेस लेने पड़ेंगे कि कॉमन रेशियो कैसी हो सकती है। तो लेट स्टार्ट विद द केस वन। केस वन के अंदर स्टूडेंट मैंने कॉमन रेशियो जो ली है, कॉमन रेशियो आर, वो लेस देन वन लिया है पहले केस में, ठीक। और आप सब जानते हैं बेटा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ए भी जीरो से बड़ा है, आर भी जीरो से बड़ा, या नॉन नेगेटिव टर्म्स है, तो उनका एसओपीएस मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा। तो अगर एसओपीएस मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा तो सिर्फ बाउंड अबाउट दिखाओ तो कन्वर्ज कर जाएगा वो, राइट। और आर लेस देन वन के केस में कन्वर्ज भी कर रहा है, तो क्यों ना हम इसी बात का सहारा ले लें स्टूडेंट्स। तो लेट एस एन बी द एसओपीएस, एस एन बी द एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ विच सीरीज द ज्योमेट्रिक सीरीज ए आर टू द पावर एन माइनस। तो आप एस एन को लिखेंगे कैसे मेरे बेटा? यहाँ एस एन लिखा जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड डा डा लाइक दिस ए आर टू द पावर एन माइनस। तो कैन वी फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, टेक आउट ए कॉमन, एंड इट इज द सम ऑफ फाइनाइट, सम टू फाइनाइट जीपी। याद होगा बच्चों आपको सम टू फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, अगर आप अपनी 11th क्लास को नहीं भूले हैं अभी भी। तो देर आर हाउ मेनी टर्म्स? एन टर्म्स, क्योंकि जीरो से स्टार्ट है, वन है यहाँ पर, यहाँ आर की पावर जीरो है, जीरो से एन माइनस वन तक स्टूडेंट्स एन टर्म्स है। ए फर्स्ट टर्म, वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, यही एक्सप्रेशन आएगा मेरे बेटा। क्या इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे बेटा? कैन वी ब्रेक दिस एक्सप्रेशन इनटू टू पार्ट्स? ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस वन माइनस आर स्टूडेंट। तो अगर मैं स्टूडेंट यहां पर माइनस ना करूं, जैसे ये अभी बराबर आ रहा है, तो अगर माइनस नहीं करेंगे तो क्या ये सीक्वेंस बाउंड अबव नहीं हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर से? और मैंने तो पहले ही कहा कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स या नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो एसओपीएस मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, और आपको सिर्फ बाउंड अबव शो करना है, एंड दिस इज एस एन इज बाउंड अबव बाय दिस रियल नंबर ए अपॉन वन माइनस आर, और आर आपका वन से छोटा है, तो कन्वर्जेंस करेगा कि नहीं करेगा बच्चों बताइए प्लीज। तो देयरफॉर कैन वी से दैट एस एन इज बाउंडेड अबाउट अपॉन ए अपॉन वन माइनस आर, जिसमें कि ए भी जीरो से बड़ा है, आर भी जीरो से बड़ा, और ये तो केस ही चल रहा है जिसमें आर लेस देन वन है बेटा। तो देयरफॉर एसओपीएस एस एन इज बाउंडेड अबाउट, बाउंडेड अबाउट। और बताओ क्या होगा?
also SOPS is monotonically increasing. बेटा हाँ जी, therefore SN converges. तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो एग्जामिनर को दे सकते हैं, बिल्कुल. तो अगर SOPS कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी क्या करेगी मेरे बेटा, कन्वर्ज करेगी. तो एग्जामिनर को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का रीजन आप दे सकते हैं कि भाई सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो SOPS तो मोनोटोनिक इंक्रीज करेगा ही, राइट. तो ये केस वन था स्टूडेंट्स, क्या सबको समझ में आ गया? हमने बस SOPS को बर्न अबाउट दिखाया और वो कन्वर्ज कर गया. तो अगर SOPS कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी. एंड दिस वाज द फर्स्ट केस वेयर द कॉमन रेशियो इज लेस देन वन. लेट अस कम टू द केस टू. केस टू स्टूडेंट्स, जहां पर कॉमन रेशियो आपकी वन है मेरे बच्चा, आर इज वन, यस. इन दैट केस व्हाट इज एस वन? इज जस्ट ए. व्हाट इज एस टू? इट इज जस्ट ए प्लस ए. व्हाट इज एस थ्री स्टूडेंट्स? इट इज अगेन ए प्लस ए प्लस ए. दैट इज द फर्स्ट टर्म, राइट. एंड इट गोज लाइक दिस. तो कैन वी राइट स्टूडेंट्स एस एन, एस ओ पी एस, एस एन इज लाइक दिस, ए 2a, 3a एंड लाइक दिस, है ना. और ये SOPS है नॉन नेगेटिव टर्म्स का, तो मोनोटोनिक इंक्रीज तो करेगा ही करेगा बेटा. तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन ये बाउंड अबाउ नहीं है तो कहाँ डाइवर्ज करेगा बेटा, ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज. यस, द सीरीज ए आर टू द पावर एन माइनस वन डाइवर्ज. तो अगर आर को मैंने वन रखा मेरे बेटा तो ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है, दिख रहा है ना साफ साफ. SOPS ए टू ए थ्री ए, किसी भी चीज का वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स हो रहा है एंड देन गोज टू इन्फिनिटी हेयर अगेन. नाउ वी आर हेयर विद केस थ्री स्टूडेंट्स. केस थ्री जिसमें आर को आप वन से बड़ा लेंगे अब, है ना. हमें तो सारे केस ही लेने बेटा, हमारे को क्या सोचना है इस बारे में. वी हैव टू टेक ऑल द केसेस. केस थ्री, तो स्टूडेंट्स केस थ्री के अंदर जो हमारी कॉमन रेशियो है वो वन से बड़ी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है हमारे लिए. तो क्यों ना मैं इसको प्रॉपर नेक्स्ट पेज पे ही डिस्कस करूं, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं वो, तो नेक्स्ट पेज पे ही डिस्कस करते हैं केस थ्री को, है ना. अच्छे से यहीं पे डिस्कस करते हैं केस थ्री. थोड़ा समझना भी पड़ेगा केस थ्री के अंदर, थोड़ी सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी. आपकी पहले तो सीरीज है क्या? आपकी सीरीज है ए आर टू द पावर एन माइनस, और आर आपका वन से बड़ा है केस थ्री के अंदर. तो आपकी टर्म्स है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड डैश डैश. तो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं. और जो अभी हमने कंसिडर की थी सीरीज, एक और सीरीज कंसिडर की थी जिसमें आर वन था. कंसिडर सीरीज जिसमें आर आपका वन था बेटा, दैट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस डैश डैश. ये वो वाला केस है जिसमें आर क्या था बेटा, वन. अगर हम ईच टर्म ऑफ वन को कंपेयर करें टू से, तो क्या यहां साफ साफ दिख रहा है? ईच टर्म ऑफ टू इज लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ वन. What is the reason behind this? Yes, a a बराबर है, right? a a r r वन से बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, है ना बेटा. हाँ, तो अगर बताओ, है ना. और अगर पीछे वाले सीरीज ऑलरेडी इन केस ऑलरेडी इन इन इक्वेशन टू केस टू सीरीज a r to the power n minus 1 diverges, r is equal to 1. So by basic comparison test, अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी स्टूडेंट्स, तो आगे वाली सीरीज भी क्या करेगी आपकी, डाइवर्ज. तो ये वाली सीरीज होगी पीछे वाली सीरीज, और ये आगे वाली सीरीज होगी. अगर पीछे वाली डाइवर्ज करेगी तो आगे वाली भी क्या करेगी, डाइवर्ज. तो देयरफॉर बाय बेसिक कंपेरिजन टेस्ट ए आर टू द पावर एन माइनस वन डाइवर्जेस इफ आर इज ग्रेटर देन वन. तो बहुत आसानी से हमने प्रूव कर दिया यूजिंग व्हाट, बेसिक कंपैरिजन थ्योरम. हाँ जी, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से.
तो मैं एक बार थोड़ा सा वापस जाके बता दूं स्टूडेंट्स कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ, और मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज के प्रूफ को स्टार्ट किया, केसेस बनाए, जहां पर पहले केस में मैंने कॉमन रेशियो को लेस देन वन रखा बेटा, और बताया है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट क्लास में देखिए देखिए कन्वर्ज कर रही है। फिर आर को वन रखा तो ये सीरीज डाइवर्ज कर रही थी इन्फिनिटी पे। सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा एसओपीएस, तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। ओके, देन आर को हमने थ्री रखा बेटा, सॉरी थ्री कह रहा हूँ, मोर देन वन रखा, केस थ्री की बात करना चाहता था, आर थ्री आ गया। आर को मोर देन वन रखा बेटा, तो हमने कंपैरिजन किया, दो सीरीज ले ली, एक तो पिछले वाली थी और एक अभी लिखी नई वाली जिसमें आर वन से बड़ा है, इसके अंदर आर वन से बड़ा है इसमें। तो ऑफ कोर्स इफ वी कंपेयर ईच टर्म, ये ए ए बराबर, ये ए इस ए आर से छोटा होगा, ये ए इस ए आर से छोटा बराबर होगा, तो मतलब ईच टर्म ऑफ टू इज लेस देन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ वन। तो अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो आगे वाली सीरीज भी क्या करेगी मेरे बेटा, डाइवर्ज करेगी। ये इतना आसान सा प्रूफ था हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज के बाद हम चलेंगे अब पी सीरीज के लिए। तो पी सीरीज का प्रूफ मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा जरूर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे पी सीरीज का प्रूफ आपका। एक सेकेंड, माइक कहीं गुम हो गया, आई थिंक आई टू स्टॉप द वीडियो फॉर अ वाइल। कैन तो स्टूडेंट्स मेरा कहने का पर्पस क्या है यहाँ पर आपसे, कि पी सीरीज का प्रूफ बहुत आसान तरीके से हम करेंगे, बहुत इजी मेथड से। हाँ, और जब तक हम कुछ और नहीं पढ़ लेते तो आपको पी सीरीज का प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आने वाला, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्यों ना पहले बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन कर। मेरा पेन गिर गया, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। जो प्रॉब्लम मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से स्टूडेंट्स आपको कराने वाला हूँ वो प्रॉब्लम्स किसी और टेस्ट से भी हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ही होंगी, वो किसी और टेस्ट से भी हो सकती हैं। तो इसलिए पहले बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की प्रॉब्लम्स को हम देखना शुरू करते हैं, राइट स्टूडेंट्स।